कोरोना की दूसरी लहर जो देश भर में आई उसके दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से त्राही त्राही मची हुई थी और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में क्या हाल थे। और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जाने उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई। मैं जानता हूं कि किस तरह से मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस भरे हुए थे हॉस्पिटल के चीफ के, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के, डॉक्टर्स के, अटेंडेंट्स के, पेशेंट्स के कि साहब हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमारा आदमी ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा। और केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा हुआ। वो बंद कमरों में बैठ के बनाई गई नीतियां थी जिनकी वजह से पूरा का पूरा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चौपट हो गया। केंद्र सरकार को इस जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी और लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको मैसअप किया था। संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। उसकी जगह आप केजरीवाल जी को गाली दोगे तो उससे आपके पाप थोड़ी छिप जाएंगे। सारा देश जानता है, जो इतिहास गवाह है, आज से 100 साल बाद भी इस बात की चर्चा होगी कि जब सारी दुनिया महामारी से जूझ रही थी केंद्र सरकार अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से इस देश को ऑक्सीजन के क्राइसिस में धकेल चुकी थी। और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जिम्मेदारी लेते हुए सरकार अगर किसी परिवार के किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा लेगी और जिम्मेदारी लेगी और जिम्मेदारी फिक्स भी करेगी, तो केंद्र सरकार पीछे हट गई, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के उस काम में रोड़े अटकाने लगे। केंद्र सरकार को लगा कि इसमें तो हमारी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, हमने जो सो कॉल्ड मिसमैनेजमेंट किया है वो मिसमैनेजमेंट साबित हो जाएगा, डिजास्टर साबित हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी उसको बनाने नहीं दिया। दिल्ली सरकार की कमेटी को भंग करने के पीछे, उसको नहीं बना देने के पीछे यही है कि वो ऑक्सीजन की मौतों से हुए सच को छिपाना चाहती, और आज वही कर रहे हैं ये लोग। देश की संसद में खड़े होकर साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर हिम्मत है और अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत में सही मायने में जांच हो और जिम्मेदारी तय हो, तो जो कमेटी राज्य सरकार बना रही थी दिल्ली की उसको बनाने दीजिए, हम जांच करवाएंगे। आप कमेटी बनाने नहीं देते हो, आप जांच होने नहीं देते हो और आप कहते हो देश में ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, हमें राज्य सरकारें भी कह रही हैं। आप आंकड़े सामने नहीं आने देते हो, फिर कहते हो आंकड़े नहीं है हमारे पास, आंकड़े नहीं दिए राज्य सरकारों ने। आप राज्य सरकार को आंकड़े जुटाने तो दो। दिल्ली में एक एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े लोगों के सामने ना आए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े सामने आए तो केंद्र सरकार की बदइंतजामी और केंद्र सरकार ने इस बदइंतजामी से जो डिजास्टर पैदा किया ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो सब सामने आ जाएगा।